नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 अक्टूबर 2021 और यहां पे 18 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मेटल इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बता दूंगा अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर लें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही एंड ऑफ डे यानी मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारे रिसर्च एनालिसिस और एजुकेशनल पर्पस चीजों को प्राप्त करने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा मेटल इंडेक्स से और फिर इसके स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो मेटल इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये बड़े ट्रेंड लाइन जो मैंने पिछले बार भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट करेगा तो 6000 तक के टारगेट दिखाएगा। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 6100 का है, साइकोलॉजिकल लेवल 6100 के ऊपर निकलने के बाद ये बड़ी रैली और दिखा सकता है आपको अपसाइड में, जो 6300 यानी 6300 तक लेके जा सकता है। इस कंडीशन से अगर एपीएल अपोलो में अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी एपीएल अपोलो के बारे में बताया कि देखिए छोटा आपको 800 रुपए का 800 का स्टॉप लॉस लगाइए और लंबे समय के लिए अगर होल्ड रखना है तभी इस स्टॉक में पोजिशन लीजिएगा। बड़ा टारगेट मिल सकता है 1000 से लेकर 1050 तक के टारगेट बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा व्यू क्लियर कट बड़ा रख के चलना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक स्पिल्ट हुआ है, थोड़ा नीचे पे ट्रेड कर रहा है तो चांसेस बनेंगे आपको अपसाइड में जाने के। कोल इंडिया की बात करें, देखिए कोल इंडिया 200 अब इसका रेजिस्टेंस जोन है, 200 के ऊपर जब तक कोल इंडिया नहीं जाए तब तक पोजीशन कोल इंडिया में बनाना थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। 200 के ऊपर निकलना 210 के टारगेट बनेंगे। इनकेस अगर ये नीचे 180 को ब्रेक करता है तो 175 तक गिर जाएगा। हिंडालको सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है, हमें ब्रेकआउट चाहिए 520 के ऊपर। अगर ये 520 के ऊपर निकलता है तो 525 से 30 के टारगेट बना देगा। नीचे अगर ये 506 को 7 को ब्रेक करेगा तो 500 का इंट्राडे टारगेट देगा। हिंद कॉपर, देखिए हिंद कॉपर में मैंने पहले भी बताया था ये ट्रेंड लाइन का ही एक रेजिस्टेंस एरिया इसके पास है जिसको इसने फाइनली लास्ट थर्सडे को इसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन भी कर गया। वापस से देखिए 135 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 140 का टारगेट हिंद कॉपर आपको दे सकता है। हिंद जिंक देखिए अपसाइड में ये इस जोन को ब्रेक करने के बाद अप गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्राइस है उस प्राइस का इसने रेजिस्टेंस ले लिया है बिल्कुल। तो ये रेजिस्टेंस एरिया 360 का हिंद जिंक में, 360 के ऊपर निकलने पर नया पोजीशन बनेगा, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 340 के आसपास भी पोजीशन बनाया जा सकता है। रिवर्सल आने पर 350 से 60 के टारगेट दोबारा बनेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील नजर रखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में ब्रेकआउट बना हुआ ऊपर की तरफ में सस्टेन कर रहा है, 700 के ऊपर निकलने बाद फिर से एक नई रैली बनेगी जो 710 से 720 का इंटरडेट टारगेट आपको दिखा सकता है। जिंदल स्टील 435 के टारगेट इसके डन हो गए और उसके हाई के ऊपर चला गया, 453 तक चला गया, तो 450 के ऊपर सस्टेन करने के बाद दोबारा टारगेट 460 से 65 का बन जाएगा। अब ये टारगेट हमारा खत्म हो गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, टारगेट कंप्लीट है ना। अब देखिए यहाँ जनरल स्टील होगा, मोइल की बात करें, मोइल में अपसाइड में ब्रेकआउट आएंगे, वापस से 172 के ऊपर निकलने बाद 175 से 178 का टारगेट मिलेगा। मिधानी बने रहे कोई दिक्कत नहीं, 205 के ऊपर निकलेगा, 210 से 15 का टारगेट दोबारा से बन जाएगा। एनएमडीसी में देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया इस बॉक्स के पास में, लेकिन छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया 155 का रहा है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 158 और 158 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 165 की तरफ भागने की कोशिश करेगा एनएमडीसी। नेशनल एल्युमिनियम देखिए बहुत ही बढ़िया हैंगिंग मैन पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है अपसाइड में नेशनल एल्युमिनियम। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 110 के ऊपर या 109 के ऊपर तो 115 के टारगेट देगा, नीचे 105 को ब्रेक करेगा तो 100 तक के टारगेट दिखा सकता है। रत्नामणि मेटल 2230 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा 2300 के टारगेट दिखाएगा। सेल भी अपसाइड के ब्रेकआउट चाहे 125 के ऊपर निकलने बाद 125 से 26 के ऊपर निकले बाद नई रैली बनेगी जो 130 से 35 का टारगेट सेल आपको दिखाएगा। सेल के बाद टाटा स्टील बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया, सस्टेन कर रहा है अपसाइड में, टाटा स्टील दोबारा से 1390 को ब्रेक करता है तो 1420 के टारगेट बनेगा। वेलस्पन कॉर्प में ये एक छोटा सा नजदीक में रेजिस्टेंस है 152 रुपए का, वो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 160 रुपए का दिखाई देगा वेलस्पन कॉर्प में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पर मेरा व्यू, चलेंगे अब जरा आईटी स्टॉक्स की तरफ और देखें आईटी में इंडेक्स सबसे पहले क्या कर रहा है, उसके बाद स्टॉक्स की बात करेंगे। आईटी में 36400 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर उस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो 36600 तक जाने की कोशिश करेगा। आप देखें ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है आईटी सेक्टर में, इसी की वजह से थोड़ा सा भी मूवमेंट आपको डाउन दिखा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक्स ने यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को डेवलप किया था, उसी ट्रेंड लाइन के नीचे भी स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे सस्टेन किया और इसी के नीचे ट्रेड भी कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर ले जो कि 36400 से 450 का लेवल आता है तब तक इसमें नई तेजी देखने को नहीं मिलेगा। तो बिरला सॉफ्ट पे इस हिसाब से नजर रखिए कि अगर 440 के ऊपर बिरला सॉफ्ट निकलता है तो 50 से 60 के टारगेट आपको बनेंगे। कोकोज ने ब्रेकआउट दिया
और सारे टारगेट भी 5780-82 तक का हाई लगा के चलाया। मैंने आपको कोपोस में दिया हुआ भी था, वह अगर कोपोस ब्रेक करे अपसाइड में 5400 को तो आप 5500 से 5600 के टारगेट लेंगे, लेकिन इसने तो 5780 तक का हाई लगा दिया, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा सब ये ब्रेक करेगा 5700 के ऊपर तो 5800 के टारगेट दिखाएगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट ने भी काम किया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया ऊपर। 1440 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट 1500 के बनेंगे हैप्पीएस्ट माइंडसेट में। एससीएल टेक नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है और अगर ये नीचे की साइड में 1238 से लेकर 1235 को अगर ये नीचे ब्रेक करे तो ये कमजोर हो जाएगा, नीचे 1200 तक गिरने के चांस बन सकते हैं। इन केस अगर ये 1260-65 ये सब ऊपर ट्रेड करता है तो फिर 1280 से 1300 तक के टारगेट आपको हैप्पीएस्ट माइंडसेट एससीएल टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। एससीएल टेक के अलावा इंफोसिस देखिए, इंफोसिस ने पॉजिटिव मूवमेंट किया था लेकिन क्लोजिंग रेड में आके किया। आप नीचे वॉल्यूम देखे तो जबरदस्त वॉल्यूम इसने क्रिएट किया है एक्सपायरी दिन वाले, और ऊपर की साइड में जैसे कि आपने सारे टारगेट एक ही दिन में एक ही बार में डन करके चलाया, आप देखेंगे यहाँ पर से इसने सारा काम एक ही दिन में फिनिश कर दिया ना। अब हमारे लिए दिक्कत हो गया, अभी ये कुछ नहीं करना है, इसमें हमें छोड़ देना है। हमें या तो इसके नीचे ट्रेड करे तो पोजीशन करेंगे 1690 के नीचे सेल करने पर 1660 का टारगेट, या ऊपर वापस से ट्रेड करें 1730 के ऊपर तब पोजीशन बनाएंगे 1750 से 1780 के लिए। एलटीआई ने टारगेट डन कर दिया, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल एलटीआई में दिया हुआ था 6000 के ऊपर और टारगेट इसने 6250 का, मैंने 6100 और 6200 के टारगेट दिए थे 6000 के ऊपर, इसने सारे टारगेट डन कर दिए। अब ये 6300 या दोबारा से 6200 के ऊपर निकले तब पोजीशन बनाएंगे 6300 से 6400 के लिए। माइंटी की बात करें, देखिए माइंटी ने भी सारे काम फिनिश कर दिया कंप्लीट, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। माइंटी के ऊपर दोबारा निकले अगर ये 2730 के ऊपर 40 के ऊपर 45 के ऊपर, देन आपको 4900 तक के टारगेट आपको दोबारा से माइंटी दिखा सकता है। एम्फासिस की बात करें तो सब सारे आईटी ने वैसे ही किया, गैप अप खुला और ऊपर से रिजेक्शन आ गया। अब देखिए वापस से क्लोजिंग चाहिए हमें ऊपर के लेवल की तरफ 3350 से 75 के ऊपर, देन 3520 तक के टारगेट बनेंगे। नौकरी यानी इंपोज ये सस्टेन कर रहा है, ये अच्छी बात है। अगर ये दोबारा से निकलता है 7100 के ऊपर तो 7200 से 7300 के टारगेट मिलेंगे। टीसीएस कमजोर है नीचे की साइड में लेकिन अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। देखिए टीसीएस में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है और वो लेवल है कुल मिला के 3600 रुपए का। अगर ये 3600 के नीचे आता है तो सेल करेंगे 3550 से 3500 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा आप साइड में अगर ये 1460-55 से 60 को ब्रेक करता है 1500 के टारगेट मिलेंगे। विप्रो की बात करें तो विप्रो अप साइड में गया है और सारे टारगेट भी विप्रो ने डन कर दिए, देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। इसी तरह से धीरे धीरे गया, देखिए गैप अप खुला और गैप अप खुलते के साथ विप्रो का टारगेट कंप्लीट। अब इसके ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है जिसका मतलब ये पॉजिटिव है, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाए यानी 650 के नीचे ये कमजोर नहीं होगा, फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों इधर निफ्टी के मेटल के बाद आईटी का मेरा व्यू, अब चलेंगे फार्मा स्टॉक्स की तरफ और देखेंगे इसकी फार्मा क्या कर रहा है। तो चलते हैं फार्मा में। फार्मा में सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखेंगे। फार्मा इंडेक्स में देखिए 14850 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो ब्रेक करेगा तो फिर ये 15200 का टारगेट दिखाएगा, जिसके वजह से आपको फार्मा में मूवमेंट बन सकता है। इस हिसाब से आप एलकम पे नजर रखिए, अगर ऊपर 4000 को ब्रेक करेगा 4100 से 4200 का टारगेट, लेकिन किसी कारण 3880 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे 3800 के टारगेट के लिए। एस्ट्राजेनिका जैसे ही 3200 के ऊपर निकले बाइगा पोजिशन बनेंगे 3300 से 3400 के टारगेट के लिए। और विंडो फार्मा देखिए बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। विंडो फार्मा हाई है 737 से 738 के ऊपर जाने के बाद आपको 750 के टारगेट बनेंगे। नीचे किसी कारण पर 725 के नीचे आता है, 724 के नीचे आता है सेल करेंगे 720 से 715 के टारगेट के लिए। बायोकोन कंटिन्यू डाउनफॉल में है, नीचे में है तो नीचे का दोबारा एक टारगेट ये डन कर सकता है। पहला देखिए ब्रेक हो चुका है, अब जो दूसरा टारगेट है वो है 340 रुपए के आसपास का बायोकोन। एक बार ये 340 पर आ जाए और दूसरा 330 तक आ जाए तो फिर नया रिवर्सल का संकेत बन सकता है। केडला हेल्थ केयर की बात करें, जब तक इस बॉक्स के अंदर हमें कोई पोजीशन नहीं बनाना, 530 के नीचे 532 से 533 के नीचे जा रहे पे सेल करेंगे 520 के टारगेट के लिए। ऊपर जब तक ये 572-573 को ब्रेक नहीं करे बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। सिप्ला 900-940 के ऊपर या 900-920 भी रेजिस्टेंस बन चुका है इसका, 940 के ऊपर जाने के बाद नई रैली 960 से 980 के टारगेट, नीचे 905 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 890 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब की बात करें, डिवीज लैब ने टारगेट डन कर दिया, देखिए ऊपर की साइड में 5400 का टारगेट था वो टारगेट डन हो गया, दोबारा 5400 के ऊपर निकले 5500 और 5600 के टारगेट डिवीज लैब में मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी अगर ये 5000 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 5100 से 5200 के टारगेट भी डॉक्टर रेड्डी में बनेगा। ग्लेनमार्क फार्मा होल्ड कर रहा है, अप साइड में 535 को ब्रेक करेगा 550 का टारगेट,
नीचे ये जो सपोर्ट एरिया अब ये ब्रेक करेगा तब कंट्रोल होगा 520 के नीचे सेल, 510 से 500 के टारगेट के लिए। ग्रेनुअल्स की बात करें, ग्रेनुअल्स अपसाइड में जाने के लिए 335 से 340 का एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया टूटता है तो 350 के टारगेट आपको बनेंगे, 35 से 40 के, 35 यानी 335 से 40 के ऊपर जाने पर 350 से 60 के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये 325, 26, 27 ये सब ब्रेक करता है तो 320 तक गिर सकता है। लुपिन, देखिए लुपिन भी खराब होने के कगार पे 940 के नीचे आने पर 920 का दोबारा टारगेट। नोवार्टिस, नोवार्टिस में अपसाइड का रेजिस्टेंस 825 से 30 ब्रेक करेगा तो 900 के टारगेट, नीचे ब्रेक कर गया 780 को तो सेल करेंगे 750 के टारगेट के लिए। पीईएल अपसाइड में 2890 या 2875 के ऊपर निकलेगा, नई रैली 2940 तक के बन सकते हैं। और स्ट्राइड्स फार्मा जब तक ये अपसाइड में 610 को ब्रेक नहीं करे बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे, 610 के ऊपर जाने पर 640 के टारगेट। सन फार्मा होल्ड कर गया, 850 के ऊपर निकलेगा 875 का टारगेट, नीचे ब्रेक करेगा 830, 835 के नीचे तो 820 का टारगेट। टोरेंट फार्मा 3200 के ऊपर निकले बाद नया पोजीशन बनाएंगे 3300-3400 के लिए, नीचे 3070 के नीचे गिरेगा सेल करेंगे 3000 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात करें, अपसाइड में 500 के ऊपर निकले बाद दोबारा रैली 510 से 15 के लिए, और नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है अगर ये तोड़ देता है तो फिर आपको सेलिंग देखने को बन सकता है 477-76 के नीचे ब्रेक आने पे 465 के टारगेट भी वोकट फार्मा में बन सकता है। तो दोस्तों निफ्टी के मेटल, आईटी और फार्मा का हो गया, अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फिर से मैं बता दूं, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, और साथ ही एंड ऑफ डे बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस के लिए चार्ट मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है जहां पे बहुत सारी चीजें पोस्ट करता रहता हूं आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। इसके अगले जो टारगेट बनेंगे वो 18,750 से 18,900 तक का बन सकता है, अगर ये अपसाइड में 18,600 को ब्रेक करता है तब। बजाज फाइनेंस देखिए इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है लगभग लगभग 8,000 का, 8,000 के ऊपर निकला नया टारगेट 8,100 से 8,200 का। नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन को पास आ गया, देख इस ट्रेंड लाइन को अगर ये नीचे ब्रेक कर गया किसी कारणवश, नीचे की साइड में तोड़ दिया 7,800 के नीचे सेल करेंगे 7,700 के लिए। चोला फाइनेंस दोबारा से 605 के ऊपर निकलेगा 615 का टारगेट। आयबुल हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, सेफ ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी नहीं। 250 के ऊपर निकले बाद नया पोजीशन 260, नीचे ब्रेक करेगा 235 को सेल करेंगे 220 का टारगेट। LNTFH की बात करें तो ये LNT फाइनेंस ऊपर की साइड में 95 को ब्रेक करेगा 100 का टारगेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस दोबारा से 452 से 55 ब्रेक करेगा 475 का टारगेट। M&M फाइनेंस जब तक ये ब्रेक नहीं करे 190-92 ये सबको पोजीशन नहीं बनाना है, उसके बाद 200 का टारगेट बनेगा। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं करना है, जब भी डीप मिले बाय करिए, लंबे समय के लिए होल्ड करके चलिए। मुथूट कैप 415-20 के ऊपर निकलेगा 450 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस अपसाइड में 1600 का ब्रेक करने के बाद जो है टारगेट बनेगा वो 1640 का बनेगा। SR ट्रांस अच्छा नीचे की साइड में भी अगर ये ब्रेक करता है 1540 को सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। SR ट्रांस में ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, इसमें अगर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेकआउट करता है 1405 से 6 के ऊपर, देन आपको टारगेट 1425 से लेके 1435 तक का मिल सकता है SR ट्रांसफिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।